अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ वो है सिरके का अचार। सिरके के अचार के लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं, मैंने ये सब्ज़ियाँ ली हैं। आपने अगर कुछ और सब्ज़ियाँ डालनी हैं तो इसमें डाल सकते हैं। मैंने ये सब्ज़ियाँ सारी इस्तेमाल की हैं, जो भी आपके घर में पड़ी हो सब्ज़ी आप वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ जो मैं वेजिटेबल डालूँगी उसमें ये गाजर है और मूली है, लहसुन है, लेमू है, प्याज है और खीरा, सब्ज मिर्च और ये बंद गोभी है। ये सारी मैं डालूंगी। अगर आपने ज़्यादा ये डालनी हो तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन ये एक हफ्ते के लिए अचार बहुत होता है, क्योंकि सिरका है, सिरके से गला ख़राब हो जाता है, इसलिए बहुत कम बनाया करें और जल्दी इसे खा लिया करें। और ये मैंने यहाँ पे रखे हैं मसाले, रखे हैं जो मैं इसमें डालूंगी, और इसमें चीनी का भी 1 चम्मच डालूंगी और 1 गिलास में डालूंगी इसमें पानी, और 1 गिलास ही मैं इसमें शक्कर डाल वो सिरका डालूंगी, क्योंकि ये दोनों हम वज़न इसमें डालने हैं। जो अकेले हम सिरका डालते हैं तो उससे ज़रा सा नुकसान होता है, गले ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम इस इन दोनों को बराबर बराबर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गाजर डाल दूँगी। और फिर हम धनिया डाल देंगे और ये प्याज डाल देंगे और ये सारा खीरा और यहाँ डालेंगे हम लेमन और सब्ज़ मिर्च और ये बंद गोभी मैं डाल दूंगी ये हमने सारा इसमें जितनी भी हमारी वेजिटेबल थी हमने इसमें सारी डाल दी हैं। और अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी, वो अपने हंस पे जरूरत डाल लें, 1 चम्मच वैसे बहुत है। और लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी। हल्दी तो खैर हर अचार में हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, तो ये हल्दी डालूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी शुगर, ये डालूंगी मैं 1 चम्मच, क्योंकि खाली नमक से और सिरके से अचार का जायका नहीं आता। और अब मैं डालूंगी इसमें पानी, ये 1 गिलास मैंने लिया है पानी का। और मैंने ये सिरका लिया है, आपने किसी भी ब्रांड का, जिस ब्रांड का आपने सिरका यूज़ करना हो वो कर लेंगे आप। ये मैंने सिरका लिया, वो पानी था ये नहीं, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब हम इसे ज़रा सा मिक्स कर लेंगे और इसे हम रख देंगे। और आप ये 3 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये 15 मिनट में भी इससे हो जाना, लेकिन फिर भी 3 दिन आप इसे इसी तरह रहने दें तो 3 दिन बाद ये इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा, तो आप इसे 3 दिन बाद इस्तेमाल करें। ये था हमारे सिरके का अचार, बिल्कुल आसान है ये, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, मिनटों में बन जाता है, इसमें कोई मसला ही नहीं है बनाने में। आपके पास कोई भी सब्ज़ी है, जो कुछ भी पड़ा है, बंद गोभी पड़ी है, फूल गोभी है और भी कोई जिस तरह से भी आपकी पसंद की कोई सब्ज़ी है, आप उसका अचार डाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया। तो ये था हमारे सिरके का अचार। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सिरके का अचार बिल्कुल तैयार हो गया हमारा। और मैं आपको ये खोल कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इतना मज़े का ये अचार बना है ना, आप इसे अगर अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख देंगे ना, ये बिल्कुल डेकोरेशन पीस लगेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत ये अचार है। ये देखिए इसे हर तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें,
ये कितना खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ है। और मैं आपको, अगर आप समझ नहीं आई, मैं आपको एक मतलब फिर से बता देती हूँ। मैंने वेजिटेबल्स ली थी, मूली, गाजर और खीरा, लहसुन, ये सब कुछ मैंने लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें ये वाला एक गिलास ये वाला सिरके का लिया था, और यही मैंने गिलास पानी का लिया था जो मैंने इसमें डाल दिया। फिर मैंने हल्दी डाली, सुरख मिर्च डाली और मैंने नमक डाला, ये सब कुछ डाल के मैंने इसे रख दिया था, जो कि तैयार हो गया। अब आपके सामने है ये अचार, बहुत मज़े का। आप ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.